नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट रेड। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरसात ने किसान को रुलाया, बाजरे की फसल हुई बर्बाद, पशुओं के लिए भी आएगा चारे का संकट। पिछले कई दिन से धौलपुर जिले में बरसात का दौर जारी है, जिस कारण बाजरे की फसल बर्बाद हो चुकी है। बरसात से खेत में भरे पानी के बीच बाजरे की फसल को सड़ती हुई देखकर किसानों का हाल बेहाल है और उनका धैर्य जवाब दे रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों ज्यादातर किसानों की फसल की कटाई चल रही थी तथा कुछ की पक्की हुई खेतों में खड़ी थी। इसी दौरान बरसात का दौर शुरू हो गया, जिससे खेत में कटी पड़ी फसल पानी में डूबकर सड़ गई और बर्बाद हो गई, जिसने किसानों को रुलाकर रख दिया है। अन्नदाता की इस बेरुखी से किसानों का धैर्य जवाब दे रहा है। अब किसानों को सरकार से आस है कि वह नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को राहत प्रदान करे। बरसात से जो बाजरे की फसल पूरी तरह सड़ चुकी है, जिससे किसान की मेहनत निकलना तो दूर की बात रही, लागत भी नहीं निकल सकती है। वहीं उसके द्वारा फसल उगाने में कई महीनों की गई जी तोड़ मेहनत भी बेकार हो गई है। इसके अलावा किसान बाजरे की फसल से काफी उम्मीद लगाए बैठे हुए थे और अच्छी पैदावार को लेकर तमाम सपने देख रहे थे, लेकिन अन्नदाता की बेरुखी ने बरसात करके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है। वहीं बाजरे की फसल के सड़ने से भविष्य में पशुओं के लिए चारे का संकट खड़ा हो जाएगा। हाँ सर, मेरा नाम सूरज है, गांव खेड़ा का हूँ मैं। और इतनी बर्बादी हो रही है खेतों में कि बालों में दोबारा बाल पजने लगे हैं। प्रशासन से कुछ अपील हो जाए तो सराने खेड़ा में देखने आए, और कोई सुविधा प्रशासन के ऊपर है जो है वो है। गरीब हैं अपन तो, जाट बस्ती से हैं, और खेतों में बाल देखो आगे यहाँ के बालों की क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। बहुत परेशान है सर, दसना पे फसल पकी पकाई खड़ी है, सब उपज चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशानी छा चुकी है, क्या करें वो सब। तो बजरे कम हो गई सर। नाम दाता राम, सरानी खेड़ा पंचायत में सगाई खत्म है चुके, बाजरे परेशान है, बच्ची बच्चे ने खाए ना ने, हम दुखी हैं। 8-10 दिन से चिपटे हैं, कितने पानी भरे को मेड़ा काट कर निकाल रहे हो, क्या करें। चरंत इस समय काम कर रहे हैं, काट कर डाल दो सर, सरिगो राम चरे ना है, और कटो कटा सरिगो उपज रहो सब। 8-10 दिन से परेशान है रहे सब, खत्म कर ली जमीन दस्त है कि बिल्कुल पानी भरे हैं, उपज रहे हैं बाजरे की, खराब सर गई सर, बिल्कुल बच्ची बच्चा खचू खाए ना आना तो सर। 10 साल 10 दिन से लगे हैं, हम काटा पीटी कर भी बाल बच्चे के समय थे सर, उपज रहे हैं सर गए बाजरे कटे कटाए, खाने के लिए खचू ना रहा था, नष्ट है गई। बसीड़ी में पशु बसशाला खोलने को लेकर उपजा आक्रोश, सर्व समाज ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बसीड़ी कस्बे के बयाना मार्ग स्थित कोटरा गांव के समीप रिको क्षेत्र में पशु बसशाला खोलने की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है। इसको लेकर सर्व समाज के लोग बयाना मोड़ पर एकत्रित हुए और प्रशासन द्वारा जमीन आवंटन की कार्यवाही को लेकर विरोध जताया। इसके बाद उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया है कि पशु बसशाला रिको क्षेत्र में खोलने के लिए जमीन आवंटन की कार्यवाही की जा रही है, जिसे बसेड़ी की जनता में आक्रोश है, क्योंकि इस क्षेत्र में दर्जनों गांव बसे हुए हैं तथा इसके पास ही राजकीय महाविद्यालय खेल मैदान स्थित है। इसके अलावा राजकीय अस्पताल के लिए जमीन भी आवंटित की जा चुकी है, साथ ही इस क्षेत्र में पौराणिक
कोटेश्वर महादेव का पवित्र एवं सिद्ध मंदिर है। अगर यहाँ पशु बसशाला खोली गई तो इस क्षेत्र के लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ सनातन धर्म में पूजनीय गोमाता को भी काटा जा सकता है, जिससे हिंदुओं की भावना आहत होगी और इस क्षेत्र का वातावरण दूषित हो जाएगा, जिससे सर्व समाज में आक्रोश है। ज्ञापन में पशु बसशाला के लिए आवंटित जमीन की कार्यवाही को तुरंत निरस्त करने की मांग की है। साथ ही भविष्य में भी पशु बसशाला निर्माण के लिए कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाए जाने की गुहार की है। मांग नहीं माने जाने पर धरना एवं प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इस दौरान महेश कुमार परमार, जगदीश परमार, हकीम गिरी, पीयूष शर्मा, श्रीनिवास सरपंच, अजय गौड़ सरपंच, महेंद्र कोली, संदीप परमार, अश्वनी पारसर सहित सर्व समाज के कई लोग व साधु संत उपस्थित रहे। हुआ है यहाँ जो नव निर्मित रिको क्षेत्र है उसमें कुछ दुकानें भूचण खाने के लिए अलॉट करवा ली गई हैं और ये सारा कार्य गुपचुप तरीके से हो रहा है। लेकिन हमारे इस इलाके में जहाँ पे साधु संतों का निवास है, बगल में ही कोटेश्वर महादेव का मंदिर है, पास में कॉलेज है और आगामी समय पे वहाँ पर हॉस्पिटल भी जा रहा है और इस तरह से इस इलाके में बूचड़खाना बनाना और हमारे साथ में अन्य पट्टी का प्रोग्राम किया जा रहा है। यहाँ हमारी सारी तपोभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है। यहाँ ब्रजवास ब्रज 84 धाम है, अन्यथा यहाँ साधुओं के आश्रम है। 2000 पुराने निकले हुए कोटेश्वर महाराज की शिवलिंग है, उनका विशाल मंदिर है, वो यहाँ कार्य किया जा रहा है, यहाँ से नजीक है। हम साधु इस कार्य को कभी नहीं होंगे। अब खाने का असली स्वाद चाहिए तो रॉयल वर्ड्स होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है, जिसमें कड़ाई पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, दाल तड़का, दाल बुखारा आदि सभी तरह की स्वादिष्ट दाल और सब्जियाँ मिलती हैं। चाउमीन, डोसा, बर्गर, पिज्जा, पाव भाजी, इडली, मंचूरियन आदि फास्ट फूड, मिठाई, आइसक्रीम, हॉट एंड सॉफ्ट सूप, मंचाऊ सूप, मशरूम सूप मिलता है। केबिन सुविधा और ठहरने के लिए रूम की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें रॉयल बाइट्स होटल एंड रेस्टोरेंट, पुलिस लाइन के सामने, शैपुर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर पुरुषोत्तम गोस्वामी, महुआ खेड़ा वाले। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हकलाना, तुतलाना, अटक अटक कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जांच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें, ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहैब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास, डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने, घंटाघर रोड, धौलपुर। धूमधाम से मनाया गया नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह का जन्मदिन। नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह का शुक्रवार को जन्मदिन था, जिसे धूमधाम एवं हर्ष उल्लास पूर्ण तरीके से नगर परिषद कार्यालय मचकुंड रोड धौलपुर पर मनाया गया, जहां जिला स्तरीय प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी, राजनेता, पत्रकारगण, फर्स्ट ट्रैक चैनल की टीम आदि बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर सभापति को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनकी लंबी उम्र की भगवान से कामना की। साथ ही सभापति का दर्जनों लोगों ने केक काटकर जन्मदिन मनाया और उन्हें गुलगस्ता भेंट कर जन्मदिन की बधाई दी। सभापति के जन्मदिन समारोह में धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, एसपी धर्मेंद्र सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, एसडीएम भारती भारद्वाज, जिला परिषद सीईओ चेतन चौहान, पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी, बाकेलाल लोधा, कांग्रेस नेता डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा, उपसभापति माया देवी, उपसभापति प्रतिनिधि महेश शर्मा, शरीफ खान, एडवोकेट रविंद्र श्रोती,
पूर्व प्रधान मोनू जादौन, पूर्व चेयरमैन मंजू सिंगल, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया, वरिष्ठ पार्षद अकील अहमद, सभापति प्रतिनिधि निशान सिंह चौधरी, पूर्व पार्षद शैलेंद्र यादव, संजय त्रिवेदी सहित नगर परिषद के सभी पार्षद, पूर्व पार्षद एवं बड़ी संख्या में अन्य लोग भी पहुँचे, जिन्होंने सभापति खुशबू सिंह को बुके भेंट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा फर्स्ट ट्रैक चैनल की टीम ने भी समारोह में शिरकत की और सभापति को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनकी लंबी आयु की भगवान से प्रार्थना की। जलभराव की समस्या से नाराज कॉलोनी वासियों ने किया हाईवे जाम करने का प्रयास। धौलपुर शहर में जगदीश टॉकीज के पास का है मामला। जिले सहित धौलपुर शहर में बीते दिनों से हो रही बारिश और उचित ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के चलते धौलपुर शहर की करीब एक दर्जन कॉलोनियां इन दिनों जलमग्न है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि उनके द्वारा कई बार जिला कलेक्टर और नगर परिषद में पानी निकासी को लेकर ज्ञापन दिए जा चुके हैं, जिसमें मांग की गई है, लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते कॉलोनी वासी जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। जलभराव की समस्या को लेकर आज शुक्रवार को धौलपुर शहर में जगदीश टॉकीज के पास कॉलोनी वासियों का आक्रोश फूट गया और उन्होंने धौलपुर बाड़ी मार्ग पर सरकारी आईटीआई मोड़ के सामने हाईवे पर जाम लगाने का प्रयास किया। हालांकि सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसने लोगों को समझा बुझाकर थोड़ी देर में ही जाम को खुलवा दिया। लोगों का आरोप है कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण जलभराव की स्थिति है और पानी घरों में भर रहा है, जिस कारण गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। कलेक्टर व एसपी ने किया हवाई पट्टी का निरीक्षण। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने नागरिक उड्डयन विभाग की टीम के साथ शुक्रवार को हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह भी उनके साथ रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने धौलपुर हवाई पट्टी पर उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बाउंड्री वॉल निर्माण पूर्ण कर गेट लगाने के निर्देश दिए, साथ ही हवाई पट्टी पर आमजन और जानवरों का प्रवेश रोकने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने हवाई पट्टी पर सुरक्षा की दृष्टि से वॉच टावर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से अंतिम दौर में चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति की चर्चा कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज, तहसीलदार धर्म सिंह, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीक्षण अभियंता वीडी इंदौरा सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। पथराव व फायरिंग के मामले में दोनों पक्ष के सात लोग गिरफ्तार। बाड़ी कस्बे के कसाईपाड़ा मोहल्ले में गुरुवार शाम को मोहल्ले के सदर चुने जाने के बाद निकल रहे जुलूस पर दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा किए गए पथराव और फायरिंग की घटना में दोनों पक्षों के चार लोग घायल हुए थे, जिसमें एक पक्ष के दो लोगों को फायरिंग में गोली लगी थी। वहीं बाद में दूसरे पक्ष के भी दो लोग अस्पताल पहुंचे थे। अचानक हुए इस झगड़े के बाद कसाईपाड़ा मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर भागने लगे। पुलिस ने भी अतिरिक्त जाप्ता बुलाकर मोहल्ले में पहुंच शांति व्यवस्था बनाए रखने में भरसक प्रयास किया, जिसके बाद ही मामला शांत हो सका। झगड़े, पथराव और फायरिंग की घटना को लेकर कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मौके से दोनों पक्षों के सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामले में पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस थाने में दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि घटना में पुलिस ने सात आरोपियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिनमें वकील पुत्र शरीफ, महरुद्दीन पुत्र नज्जो, बानू उर्फ मोनू पुत्र हलीम, सिंधी पुत्र सिराज, वसीम पुत्र नत्थी, सोनू पुत्र हलीम और मुकीम पुत्र हमीद को गिरफ्तार किया गया है।
अब आपके शहर धौलपुर में भार्गव बाटका में रेडीमेड कपड़ों की सेल, जिसमें एक से बढ़कर एक रेडीमेड गारमेंट्स और लेडीज साड़ियां फैक्ट्री रेट से भी आधी कीमत में बिक्री की जा रही हैं, जिसमें पेपर सिल्क, बनारसी कॉटन, साउथ कॉटन, चंदेरी की साड़ी आदि मात्र 150 रुपए से 350 रुपए तक में उपलब्ध हैं। बच्चों की ब्रांडेड नेकर व कैफ्री मात्र 50 रुपए में, जेंट्स टी शर्ट 100 रुपए में, लेडीज फैंसी कॉटन कुर्ती 200 रुपए में, ब्रांडेड जेंट्स कॉटन शर्ट 250 रुपए में और ब्रांडेड जीन्स मात्र 550 रुपए में उपलब्ध। पता भार्गव बाटका मैरिज होम, पैलेस रोड, धौलपुर। धौलपुर शहर में ब्रांडेड और सुंदर कपड़ों का एकमात्र शोरूम, जहां आपको मिलेंगे पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश के नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध, एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से कोठी, धौलपुर। बाड़ी में अग्रसेन जयंती महोत्सव का महिलाओं के नृत्य के साथ हुआ आगाज। बाड़ी में 22 सितंबर से 26 सितंबर तक 5 दिवसीय महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ गुरुवार शाम को 7 बजे से स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में खूब धूमधाम से किया गया, जिसमें सर्वप्रथम अग्रवाल महासमिति धौलपुर के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल और बाड़ी अग्रवाल सभा अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल द्वारा भगवा ध्वज फहराकर किया गया। साथ ही आयोजकों और अतिथियों के द्वारा महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रमों की शुरुआत अग्रवाल महिला मंडल के द्वारा महिलाओं के गरबा एवं डांडिया नृत्य के साथ शुरू की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन की राष्ट्रीय महामंत्री रेखा गोयन का उपस्थित रही। अध्यक्षता करौली अग्रवाल महिला मंडल की जिला अध्यक्ष सुनीता सराफ ने की। विशिष्ट अतिथि अग्रवाल महासमिति धौलपुर के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल नोनेरा वाले, अग्रवाल सभा बाड़ी के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, शहर के प्रमुख समाज सेवी विष्णु सिंगल सनोरा वाले, अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन पूर्वी राजस्थान की प्रदेशा अध्यक्ष कमलेश गर्ग रही। इस कार्यक्रम में महिलाओं एवं बच्चियों के 5 ग्रुप, ढोलीदा ग्रुप, राजस्थानी ग्रुप, जगदम्बा ग्रुप, महाराष्ट्र ग्रुप और अग्रसेन गरबा ग्रुप ने गरबा एवं डांडिया की शानदार प्रस्तुति पेश की। वैसे पूरे कार्यक्रम में पांचों ग्रुप के द्वारा एक से बढ़कर एक शानदार नृत्य की प्रस्तुति दी गई। अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल ने अग्रसेन जयंती पर महिला मंडल बाड़ी की पूरी कार्यकारिणी की प्रशंसा की और बधाई दी। अतिथियों ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी महिलाओं को प्रमाण पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। डॉक्टर निर्मा सिंगल द्वारा मंच का शानदार संचालन किया गया। इस अवसर पर बाड़ी अग्रवाल महिला मंडल अध्यक्ष बिमला मित्तल, महामंत्री सुमन मंगल, कुसुम मित्तल, लता मंगल, शालिनी गर्ग, सुनील गर्ग कंपनी परिवार, ओम प्रकाश धीमरी वाले, अग्रवाल सभा के महामंत्री सतीश अग्रवाल, मंत्री अजय गर्ग साहब परिवार, रामनिवास गर्ग बागथर वाले, शिक्षा समिति के अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल, श्रीनिवास मित्तल, नवयुवक अध्यक्ष अमित मंगल, महामंत्री अंशुल गर्ग, पार्षद योगेश मंगल, रोहित मंगल, विष्णु मासलपुरिया, अग्रवाल सभा के उपाध्यक्ष विजय सिंगल डेरी वाले, मनोज मोदी, राकेश गर्ग कंपनी परिवार, डॉक्टर शिव दयाल मंगल, सरोज मंगल, डॉक्टर हरि किशन मंगल, डॉक्टर गोपाल गोयल, डॉक्टर महेश गुप्ता, नरेंद्र गोयल, पवन गोयल गुमट, हरिशंकर सराफ, हरिओम बंसल, रवि मोदी सहित बड़ी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग एवं समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर निर्मा, आज अग्रवाल धर्मशाला में महिला मंडल के द्वारा अग्रसेन भगवान जी का
कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें महिलाओं की नृत्य रहा उनका डांडिया, गरबा, राजस्थानी, कुछ इस तरीके से नृत्य प्रदर्शन के एक सभी ने एक से बढ़कर एक नृत्य प्रदर्शन किए हैं। सभी को बहुत अच्छा लगा और यहाँ कोई कंपटीशन नहीं था, यहाँ सभी सेम थे, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई भी नहीं था। सब ने बहुत अच्छा किया, सभी समान रहे, सभी को उन प्राइस से सम्मानित किया गया, उनको सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ महिला मंडल की, श्रीमती कमलेशा शर आर्य जी, विमला मित्तल जी और सभी अतिथियों की, धन्यवाद। मैं मुकेश सिंगल, जिला अध्यक्ष अग्रवाल महासमिति धौलपुर। अभी हमारा भगवान अग्रसेन जी का 5 दिवसीय कार्यक्रम जो कि उनकी जयंती के शुभारंभ में हो रहा है, आज का दिन पहला दिन था, तब जाकर के पहले अभी हमारा ध्वजारोहण हुआ, उसके बाद अग्रवाल महिला मंडल ने कार्यक्रम किया, अभी हमारी 5 इकाइयों द्वारा। मैं मुन्नालाल मंगल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज बाड़ी, अग्रसेन जयंती महोत्सव का कार्यक्रम 5 दिवसीय शुरुआत हो चुकी है। प्रथम दिवस में अग्रवाल महिला मंडल द्वारा गरबा नृत्य, गुजराती नृत्य, पंजाबी नृत्य बहुत ही अच्छी तरीका से मनाया गया। अग्रवाल महिला मंडल बधाई की पात्र हैं। मैं सभी को अग्रवाल समाज बाड़ी की तरफ से, सभी बंधुओं को, सब समाज के लोगों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामना देता हूँ। सर्प के काटने से 5 वर्षीय बालिका की मौत। सरमथरा उपखंड के बड़ागांव में शुक्रवार को 5 वर्षीय बालिका की सर्प के काटने से मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सर्प के काटने से पायल पुत्री स्वर्गीय देवी सिंह कोली निवासी बड़ागांव सरमथरा की मृत्यु हुई है। बताया जा रहा है कि बालिका अपनी माँ के साथ बकरी चराने जा रही थी, इसी दौरान बालिका को जहरीले सांप ने काट लिया जिससे बालिका की मौत हो गई। मृतक बालिका के पिता की पूर्व में ही मौत हो चुकी है तथा परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। पीड़ित परिवार ने सरकार से सहायता दिलाए जाने की राशि की मांग की है। कोचिंग से छात्र का अपहरण कर मारपीट के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी कस्बे के किला परिसर स्थित कोचिंग सेंटर पर छात्र से मारपीट करने और उसका जबरन अपहरण कर ले जाने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस बाड़ी ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसे मामले में पूछताछ की जा रही है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कोतवाली थाना बाड़ी के प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि 17 सितंबर शनिवार को किला परिसर स्थित श्याम कुशवाहा की कोचिंग पर बाइकों पर सवार होकर कुछ युवक पहुंचे, जिन्होंने कोचिंग में पढ़ रहे छात्र रकीब पुत्र रफीक खान को जबरन बाहर निकालकर मारपीट की और छात्र का बाइक पर जबरन अपहरण कर ले गए। इसके बाद आरोपियों ने कायस्थपाड़ा की खेरे रोड पुलिया पर ले जाकर छात्र की लात घूसों और बेल्टों से मारपीट की। इस घटना में पुलिस ने आरोपी अंशुल पटवा उर्फ लीलाधर पुत्र भगवान दास निवासी कालियापाड़ा बाड़ी हाल निवासी जंगम कॉलोनी बाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। कॉलेज प्रशासन पर छात्र ने परेशान करने का लगाया कथित आरोप। बर्धमान टीटी कॉलेज मनिया धौलपुर के एक छात्र ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है जिसमें छात्र ने कॉलेज प्रशासन पर अनाधिकृत रूप से परेशान करने का कथित आरोप लगाया है। ज्ञापन में छात्र रविंद्र पुत्र जल सिंह ने बताया कि मैं बीएड द्वितीय वर्ष का छात्र हूं, मैंने इंटर्नशिप 16 सप्ताह की पूर्ण कर ली है, इसके बावजूद भी मेरा रिकॉर्ड जमा नहीं किया जा रहा है, मुझे कॉलेज से डायरिया नहीं दी गई है, मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। ज्ञापन में छात्र ने जिला कलेक्टर से संस्था के खिलाफ कार्यवाही करने और रिकॉर्ड जमा करवाने की मांग की है। मेरा नाम रविंद्र और मैं वर्तमान सिटी कॉलेज में फाइनल पढ़ रहा हूँ और अवैध पैसे वसूली मांगने में मेरी छात्रवृत्ति रजत मार दी है और मेरा जीवन खराब कर दिया उन्होंने। यूनिवर्सिटी में मेरे एग्जाम एक दिन प्रैक्टिकल दिया सर, मेरी यही अनुरोध है कि जिला कलेक्टर महोदय साहब से यह करता हूँ कि न्याय दिलाने की मांग करनी है।
अब आपके जाने पहचाने आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हड्डी एवं जोड़ रोग व नवजात एवं शिशु रोग का इलाज पूरी तरह फ्री। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री। छुट्टी के 15 दिन की ब्रांडेड दवाई भी फ्री। योजना के अलावा अन्य मरीजों का कम से कम खर्चे में आधुनिक तकनीकी के साथ संपूर्ण इलाज, जनरल सर्जरी व प्रसूति एवं स्त्री रोग, फिजियोथेरेपिस्ट, प्राइवेट एसी रूम व एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल, आयुष्मान हॉस्पिटल घंटा घर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। सहेली सुपरमार्केट मतलब शुद्धता की गारंटी वाला महिलाओं का बाजार। यहाँ कटोरी फ्रेश के सभी प्रोडक्ट पर शुद्धता की 100% गारंटी। मिलावट सिद्ध करो और इनाम पाओ। यहाँ खुद महिलाओं द्वारा तैयार किए गए कटोरी फ्रेश के सभी प्रोडक्ट, दाल, शहद, गाय व भैंस का शुद्ध देसी घी, मसाले, मावा व पनीर आदि पूरी तरह केमिकल रहित व शुद्ध मिलते हैं। सहेली सुपरमार्केट में किराना स्टोर, डेली नीड्स, जूते चप्पल, कपड़े, साड़ी, चूड़ी, कंगन, कॉस्मेटिक, सिलाई, फल सब्जी, स्टेशनरी, दोना पत्तल, परचून आदि की दुकानें हैं, जिन पर अन्य बाजारों से सस्ता सामान मिलता है। सभी दुकानें महिलाओं द्वारा संचालित। यहाँ ग्राहकों के लिए वाहन खड़े करने के लिए पर्याप्त पार्किंग, बैठने के लिए टेबल कुर्सी, पार्क, वाटर कूलर, शौचालय आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बार जरूर पधारें। सहेली सुपरमार्केट, शैपुर रोड, वसई नवाब। जादूगर सम्राट विश्वकर्मा का जगन टॉकीज धौलपुर में देखे रहस्यमय जादू शो। जादूगर सम्राट विश्वकर्मा का रहस्यमय जादू शो जगन टॉकीज धौलपुर में आज शुक्रवार शाम से शुरू होगा, जिसमें रोजाना दो शो होंगे। पहला शो दोपहर 1 बजे से और दूसरा शो शाम 7 बजे से चलेगा। रविवार को 3 शो दिखाए जाएंगे, दोपहर 1 बजे, शाम 4 बजे व शाम 7 बजे, जिसमें हैरत अंगेज कारनामों के साथ स्वस्थ पारिवारिक एवं मनोरंजक जादू दिखाए जाएंगे। मैजिक शो में दिल्ली का मीना बाजार, टाइमर सस्पेंस, जिंक जैक, मॉडर्न आर्ट, इंद्रजाल बॉक्स, टेंपल ऑफ बनारस, 3 तलवार बॉक्स, फायर इल्यूजन, भारत माता, लेडीज कटिंग, वाटर ऑफ इंडिया, हेड कटिंग, फ्लोटिंग बॉक्स आदि की प्रस्तुति दी जाएगी। स्नात की जो है जादू कला के प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं और मैं ऐसी सभी मीडिया भाइयों से उम्मीद करूंगा कि हमारा थोड़ा सहयोग करेंगे और इसके जादू कला के द्वारा ही हम जो है जैसे कन्या भ्रूण हत्या, नशाखोरी, जल ही जीवन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके का संदेश आम नागरिक धौलपुर की नागरिकों को देने के लिए हमारे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जादूगर ने बनाए हुए हैं जिसके द्वारा एक मैसेज जाता है पब्लिक के लिए। कितनी बढ़ती हुई अंधविश्वास और जो ढोंग विश्वास ही ऐसे चल रहे हैं जो कि पब्लिक को जो है बेवकूफ़ बना करके और ठगी करके ले जाते हैं, उसके बारे में भी जादूगर हमारे आम पब्लिक को, नागरिकों को बताते हैं। और आज के समय में इस जादू कला का विलुप्त होता जा रहा है, यानी कि ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई इनके लिए ऐड नहीं है, कोई सहायता नहीं है, तो ये अपने इन्वेस्टमेंट पर ही पूरा खर्च उठा करके सारा अरेंजमेंट करके ये जादू कला को जीवंत रखना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी है कि इनके पास और कोई विकल्प नहीं है कि हमें इसके अलावा करना क्या है, ये सिर्फ जादू कला को ही दिखा सकते। बारिश से बाजरे की फसल हुई बर्बाद, किसानों के सपने हुए चकनाचूर। जिले भर सहित सैपू क्षेत्र में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की बाजरे की फसल तबाह होने के कगार पर पहुंच गई है, जिसे बाजरे की फसल से निकलने वाली कड़वी के चारे का भी संकट पैदा होता नजर आ रहा है। एक तरफ तो पहले से ही इस बार पशुपालकों के लिए चारे की किल्लत चल रही थी, जिसे भूसा का भाव करीब 2000 क्विंटल तक पहुंच गया था, जिसे किसानों को अब बाजरे की फसल से निकलने वाले चारे की आस लगाए बैठे थे, लेकिन लगातार बारिश के दौर ने किसानों को झकझोर कर रख दिया है। ज्यादातर किसानों द्वारा बाजरे की फसल की कटाई हो चुकी है, जिससे बाजरे की बाल खेतों में ही अंकुरित होने लगी है।
किसानों द्वारा लगातार आवारा पशुओं से रखवाली कर बाजरे की फसल तैयार की थी, लेकिन बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। जो बाजरे की फसल कट नहीं पाई है वह तेज हवा के साथ हुई बारिश से गिरकर नुकसान हो गया है। इस बार बाजरे की फसल को देखकर किसानों के चेहरे खुश नजर आ रहे थे, लेकिन लगातार हो रही बारिश से किसानों के सपने धरे के धरे रह गए। पुलिस ने मारा अंतरराज्यीय जुए के अड्डे पर छापा, 12 जुआरी गिरफ्तार, 2,07,000 रुपए की जुआ राशि बरामद। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गुरुवार देर शाम को गढ़ी अच्छे लाल के पास संचालित बड़े अंतरराज्यीय जुआ के अड्डे पर छापा मारा और घेराबंदी कर 12 जुआरियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 2,07,120 रुपए की जुआ राशि बरामद की गई है। राजाखेड़ा थाना प्रभारी सोहन सिंह ने बताया कि डीएसटी प्रभारी अजीत सिंह के साथ राजाखेड़ा थाने के पुलिस कर्मियों ने जुए के अड्डे को घेर लिया, जहां से 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके से छत्रपाल पुत्र भगवान सिंह ठाकुर उम्र 29 साल निवासी भद्रोली थाना पिनाहट, कमल सिंह पुत्र प्रमोद ब्राह्मण उम्र 26 साल निवासी बसई अरेला थाना पिनाहट, प्रदीप पुत्र लायक सिंह यादव उम्र 21 साल निवासी नगला चंदा थाना नसीरपुर फिरोजाबाद, ओमवीर पुत्र भीमसेन ठाकुर उम्र 28 साल नादोरा राजाखेड़ा, अशोक पुत्र शिवदयाल ओझा उम्र 55 साल निवासी सलेमपुर थाना निवोहरा, मनीष पुत्र भवर सिंह ठाकुर उम्र 41 साल निवासी वार्ड 18 राजाखेड़ा, इंद्रपाल पुत्र भगवान सिंह ठाकुर उम्र 34 साल भद्रोली थाना पिनाहट, गौरव पुत्र महेश चंद्र ओझा उम्र 34 साल निवासी रजरई ताजगंज आगरा, प्रदीप पुत्र जमुना दास जैन उम्र 36 साल निवासी वार्ड 7 राजाखेड़ा, विनोद पुत्र खलक सिंह ठाकुर उम्र 30 साल निवासी सोमली राजाखेड़ा, रविंद्र पुत्र बच्चू सिंह ठाकुर उम्र 40 साल निवासी फरेरावाह आगरा एवं कल्ली पुत्र हे सिंह ठाकुर उम्र 50 साल निवासी गढ़ी करीलपुर थाना राजाखेड़ा को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है। बारिश से गिरी मकान की दीवार, अन्य हिस्से में आई दरार। बसेड़ी क्षेत्र के गांव मनसा कापुरा में अधिक बारिश के चलते एक मकान की दीवार गिर गई, लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दीवार गिरने के दौरान परिजन घर के दूसरे हिस्से में मौजूद थे। इस बीच परिजनों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। घटना की सूचना मिलते ही हल्का पटवारी व सरपंच हरिकेश कुशवाहा मौके पर पहुंचे और पीड़ित के नुकसान का आंकलन किया। जानकारी के मुताबिक रामबाबू पुत्र ग्यासी राम ठाकुर की दीवार गिरने से पीड़ित को करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं मकान के अन्य हिस्से में दरार आ गई है, जिसे मकान रहने योग्य नहीं रहा है। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। बीए पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं बीएससी पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा धौलपुर, सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण संवाद कार्यक्रम का किया आयोजन। पोषण माह के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरानी के आंगनवाड़ी केंद्र सरानी धौलपुर पर महिला बाल विकास विभाग द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान के मुख्य आतिथ्य में पोषण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य विषय पोषण के संबंध में जागरूकता के साथ साथ सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं, चिरंजीवी योजना, पालनहार, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, हाल ही जिला कलेक्टर द्वारा चलाई जा रही महिला हेल्पलाइन 05642 2947 49 के संबंध में उपस्थित महिलाओं, किशोरी बालिकाओं से संवाद किया तथा चिरंजीवी योजना के संबंध में मौजूद महिलाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर CDPO भूपेश गर्ग ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता द्वारा पोषण पर आधारित पौष्टिक व्यंजन प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर विकास अधिकारी राजकुमार वर्मा, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रभोज शर्मा, सरपंच नितेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी पिंकी, महिला पर्यवेक्षक भारती देवी, रवि शर्मा आदि उपस्थित रहे। स्कूल से वापस आती शिक्षिका से मोबाइल छीनने का किया प्रयास, हाथ मरोड़ कर भागे बाइक सवार आरोपी। राजाखेड़ा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में स्थित गांव गड़ी करीलपुर में तैनात पैरा टीचर रचना शर्मा से शुक्रवार दोपहर विद्यालय से लौटकर राजाखेड़ा आते समय रास्ते में दो बाइक सवार युवकों ने मोबाइल छीनने का प्रयास किया, लेकिन शिक्षिका ने बहादुरी दिखाते हुए उनसे मुकाबला किया, जिसके बाद वह शिक्षिका के हाथ को मरोड़कर धक्का देकर गिराकर भाग गई। शिक्षिका रचना शर्मा ने बताया कि वह प्राथमिक विद्यालय करीलकी में पैरा टीचर पद पर तैनात है। विद्यालय समय पश्चात वह स्कूल से राजाखेड़ा की ओर पैदल आ रही थी। रास्ते में दो बाइक सवार युवकों ने उन्हें रोका और 500 के खुले मांगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, जिसके बाद उन्होंने उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया, लेकिन शिक्षिका ने उनसे जद्दोजहद करनी शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने उनके हाथ को मरोड़ दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मोबाइल नहीं छोड़ा। तब तक पीछे से गांव का ही एक युवक आ रहा था, जिसे देखकर बदमाश युवक बाइक से भाग गए, लेकिन जाते समय हाथ मरोड़ गए। शिक्षिका ने घटना की सूचना मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आकर अन्य शिक्षकों को दी। समाचार लिखे जाने तक शिक्षिका ने कोई प्रकरण दर्ज नहीं कराया। कहते मुझसे मोबाइल छुड़ाने लगे, मैंने दिया नहीं मोबाइल तो मेरा पूरा हाथ ऐट के चले गए। फिल्म थैंक्स गॉड के खिलाफ सर्व समाज ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। फिल्म थैंक्स गॉड के ट्रेलर में सृष्टि में प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त को अपमानित करने पर अभिनेता अजय देवगन, फिल्म निर्माता टी सीरीज एवं मारुति इंटरनेशनल फिल्म निर्माता कंपनी के निर्माता भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, सुनील खेत्रपाल, इंद्र कुमार, मार्कंड अधिकारी सिद्धार्थ मल्होत्रा, रकुल प्रीत सिंह की फिल्म के खिलाफ शुक्रवार को सर्व समाज ने कायस्थ समाज के जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिला कलेक्टर धौलपुर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भगवान चित्रगुप्त को आधुनिक वेशभूषा के परिधान के साथ अर्धनग्न स्त्रियों के साथ दिखाया गया है। इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। साथ ही फिल्म के माध्यम से देश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि देश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली इस फिल्म से आपत्तिजनक दृश्यों को हटाना जाना चाहिए। फिल्म के विरोध में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर संघर्ष समिति के संयोजक विजय श्रीवास्तव, प्रशांत हुंडावाल, अनुराग मुदगल, मुकेश सुतेल, ओम प्रकाश कोहली, अलीमुद्दीन अंसारी, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, महेश जाटव, संजीव श्रीवास्तव, राजीव श्रीवास्तव, हेम सिंह भगेला, नरेंद्र तोमर, चीकू कमठान, शेखर सक्सेना, डॉक्टर नवनीत श्रीवास्तव,
सुभाष पचौरी, के श्रीवास्तव, विवेक शर्मा, अमित तिवारी, अशोक पचौरी, दीपक कटारा आदि ने फिल्म से आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग की है। लंपी वायरस से बचाव को लेकर गोवंश को खिलाए लड्डू। धौलपुर शहर में लंपी वायरस की बीमारी को देखते हुए बजरंग दल और श्री राम गो सेवा धाम समिति की टीम अनवरत रूप से जुटी हुई है। टीम के सदस्यों ने पांचवे दिन गंगाबाई की बगीची में इम्यूनिटी बूस्टर और गुड़ से लड्डू निर्मित कर शहर में गोवंशों को खिलाए। बजरंग दल के जिला सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि हमारी टीम रात और दिन में अलग अलग टीम बनाकर पशु चिकित्सक की सहायता से निरंतर उपचार कर रहे हैं। प्रमोद शर्मा और डॉक्टर नीरज त्यागी के सहयोग से पांचवे दिन 21 गोवंशों से अधिक औषधियों से निर्मित इम्यूनिटी बूस्टर और गुड़ से निर्मित लगभग 1100 लड्डू तैयार कर धौलपुर शहर और आसपास ग्रामीण क्षेत्र में खिलाए जा रहे हैं। अभी तक टीम द्वारा लगभग 1400 गोवंशों को आयुर्वेदिक औषधि से निर्मित लड्डू खिला चुके हैं। इस मौके पर महंत हनुमान दास, प्रमोद शर्मा, डॉक्टर नीरज त्यागी, विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा प्रमुख चंद्र प्रताप, बजरंग दल गोरक्षा प्रमुख शुभम श्रीवास्तव, नगर संयोजक नरेश कुमार, संतोष खलीफा आदि मौजूद रहे। लड्डू खिलाए और इनको हम आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारी टीम है जो निरंतर लड्डू खिला रही है। अब तक हम लगभग 1400 गोवंशों को यह लड्डू खिला चुके हैं और हमारा निरंतर प्रयास यह है कि 3 दिन तक हम प्रत्येक घुमंतु गोवंश को यह लड्डू खिलाएं जिससे कि वह लंपी वायरस से बचे। जय श्राम वंदे मातरम। कलेक्टर व एसपी ने किया सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल व एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बाड़ी रोड स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने वन स्टॉप सेंटर पर दर्ज परिवादों में विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं सखी वन स्टॉप सेंटर की लोकेशन व सेंटर द्वारा महिलाओं को उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए ताकि सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से अधिक पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान कर लाभान्वित किया जा सके। निरीक्षण के दौरान वन स्टॉप सेंटर द्वारा संधारित रजिस्टरों का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान वन स्टॉप सेंटर का स्टाफ उपस्थित मिला। कोलारी थाना पुलिस ने फरार चल रहे बजरी माफिया को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर जिले भर में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत कोलारी थाना पुलिस ने एक फरार बजरी माफिया को गिरफ्तार किया है। कोलारी थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध बजरी खनन के मामले में 1.5 वर्ष से फरार चल रहे बजरी माफिया भरतवीर पुत्र वीरेंद्र सिंह गुर्जर निवासी अटा रसीलपुर थाना खेरागढ़ जिला आगरा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने फरार आरोपी भरतवीर के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की गई है। मांगरोल चौराहे पर सड़क में बने गड्ढे में गिरकर राहगीर हो रहे चोटिल। मनिया कस्बे के मांगरोल रोड चौराहे पर सड़क में गड्ढा होने से उनमें बारिश का पानी भर गया है जिसे राहगीरों को गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा है जिस कारण यहां से निकलने वाले लोग इसमें गिरकर चोटिल हो रहे हैं। शुक्रवार को यहां से एक दूध वाला बाइक से दूध की टंकियां लेकर जा रहा था। इसी दौरान दूध वाले की बाइक इस गड्ढे में गिर गई जिससे उसकी दूध से भरी टंकियां सड़क पर फैल गई जिससे उसका सड़क पर दूध फैल जाने से हजारों का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार पात कंपनी द्वारा 1 साल पहले नाला निर्माण किया गया था लेकिन बारिश के कारण नाले से सरिया निकल आए हैं। इनके कारण यहां से निकलने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लंपी वायरस की रोकथाम के लिए गायों को किया टीकाकरण। बाड़ी कस्बे में तहसीलदार पुरुषोत्तम लाल की उपस्थिति में वैक्सीनेशन कार्य का आगाज किया गया।
प्रभारी प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सक संत सिंह मीणा चिकित्सालय बाड़े के नेतृत्व में लंपी बीमारी के बचाव के लिए स्वस्थ गायों का टीकाकरण कार्य किया गया एवं संक्रमित गायों का उपचार किया गया, जिसमें यादवेंद्र शर्मा पशु चिकित्सालय सहायक ने बताया कि राष्ट्रीय गोसेवा संघ एवं नगरपालिका कर्मचारी तथा पशु चिकित्सालय बाड़ी के कर्मचारियों द्वारा टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें बाड़ी कस्बे के बाईपास थाना कायस्थवाड़ा परशुराम धर्मशाला रोडवेज बस स्टैंड महाराज बाग गर्ल्स स्कूल पुराना शहर सहित मुख्य चौराहों एवं बाजार में टीकाकरण किया गया। आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। इस अभियान के तहत लगभग 150 से अधिक गायों का टीकाकरण किया गया। जब तक बाड़ी में सभी स्वस्थ गायों का टीकाकरण नहीं हो जाता तब तक यह अभियान चलता रहेगा। इस अवसर पर शुभम भारद्वाज, डॉक्टर मोहित शर्मा, नरेंद्र गोयल, आशुतोष शर्मा, विवेक शिवहरे आदि सहयोगकर्ता के रूप में रहे। टीकाकरण के बारे में जो गायों का वैक्सीनेशन हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर संत सिंह मीणा, प्रभारी पशु चिकित्सालय बाड़ी। आज बाड़ी नगर पालिका में श्रीमान तहसीलदार महोदय की देख रेख में आज टीकाकरण कल से स्टार्ट हो गया। और आज तहसील ऑफिस, कासपाड़ी की पुलिया और महाराज बाग बस स्टैंड, माता का मंदिर और मलिंगा नेताजी की कोठी और मोदी पाड़ा, पुराना बाजार और काफ़ी जगह कम से कम 150 गायों से ऊपर वैक्सीनेशन किया गया। लंपी वायरस से बचाव और उपचार की पशुपालकों को दी जानकारी। श्री बजरंग सेवा प्रदेश उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में लंपी वायरस जन जागरूक अभियान के तहत शुक्रवार को गांव फिरोजपुर में पशुपालकों व किसानों को लंपी वायरस से बचाव और उपचार की जानकारी दी, जिसमें पशु चिकित्सा उपकेंद्र ओदी का पूरा प्रभारी कप्तान सिंह LSA के द्वारा पशुपालकों को जानकारी दी और वैक्सीनेशन किया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष चैतन्य त्यागी, फिरोजपुर सरपंच लाखन सिंह, जिला उपाध्यक्ष मोनू त्यागी, जिला मंत्री अजय राजपूत, राजाखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष राजेश गोस्वामी, पवन राजपूत, गौरव प्रदीप व समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।